यूपी चुनाव के लिए पहली लिस्ट की तरह ही समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट पर भी विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी ने अखिलेश की इस लिस्ट में शामिल दागियों को लेकर बड़ा अटैक किया है। 159 उम्मीदवारों की नई लिस्ट में करहल सीट से अखिलेश यादव का नाम तो है, लेकिन विवाद उन 10 से ज्यादा नामों पर है जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पार्टी जेल में बंद आजम खान को रामपुर से, उनके बेटे को स्वार से और कैराना से जेल में बंद नाहिद हसन को ही उम्मीदवार बनाई है। इस लिस्ट में कम से कम 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ हत्या, वसूली और राष्ट्रद्रोह जैसे मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी बोल रही है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अपराध प्रदेश बनाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है। नई नहीं, ये वही सफा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े अपराधियों का संरक्षण करती है। तालिबानी विरासत और दंगे और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर हवा में बदलाव का नारा लहरा रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता का रंग बदलने वाला है, राजगद्दी की रवायतें बदलने वाली हैं, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, बीजेपी हमलावर हो गई, क्योंकि इस बार भी पहले की तरह टिकट देते वक्त सिर्फ ये देखा गया कि वोट कौन ला सकता है, जीत कौन सकता है, फिर चाहे वो गैंगस्टर हो, माफिया हो, उसके खिलाफ हत्या का मामला ही क्यों न दर्ज हो या फिर वसूली का मामला हो। लिस्ट आने के बाद बीजेपी बोल रही है अ से अखिलेश, अ से अपराधी। केराना में हिंदू व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में टिकट देते हैं, अमरोहा और संबल में प्रत्याशी बनाते हैं। ये कैसी सोच लेकर के आ रहे हैं? प्रदेश के अंदर 2012 और 17 के बीच में एक उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देने की एक नींव रखी थी और उसका एक तरह से आज की सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह दृश्य दिखाने का काम किया है कि चाहे कोई जेल में हो और चाहे बेल में, चाहे कोई दंगा के अपराधी हो और चाहे कोई कब्जा करने का अपराधी हो, चाहे गुंडों का संरक्षक हो, चाहे माफियाओं का संरक्षक हो, चाहे उसके पास उसके खिलाफ 100 अपराध हो, चाहे 200 अपराध हो, वही उनके सब खास हैं। और आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को अपमानित किया। अब बीजेपी ऐसा क्यों बोल रही है, उसे समझने के लिए समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट देख लीजिए। जिन चेहरों को अखिलेश ने चुना है उनमें से कुछ तो हर महीने कोर्ट और थाने में हाजिरी लगाते हैं। अखिलेश यादव ने कैराना से नाहिद हसन को ही उम्मीदवार बनाया है, जिसके खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में जब कुछ दिन पहले गिरफ्तारी हुई तो अखिलेश ने कहा था कि वो नाहिद हसन का टिकट काट देंगे, लेकिन अखिलेश ने नाहिद हसन को ही चुना। हत्या, दंगा का मामला तो दर्ज है ही, कैराना से पलायन के लिए भी बीजेपी नाहिद हसन को ही जिम्मेदार मानती है। अखिलेश ने रफीक अंसारी को फिर से मेरठ सिटी से टिकट दिया है, हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है, 2017 से विधायक हैं। हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असलम चौधरी होंगे। 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें दंगा भड़काने से लेकर जमीन हड़पने तक का मामला शामिल है। मेरठ जिले की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। इनके खिलाफ छोटे बड़े सारे मुकदमों को जोड़ देंगे तो संख्या 37 तक पहुंच जाती है। साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। अमरपाल शर्मा पर हत्या की सुपारी देने से लेकर रंगदारी वसूलने जैसे गंभीर आरोप हैं। बिजनौर की धामपुर सीट से नईम उल हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। नईम उल हसन पर हत्या की कोशिश, उपद्रव करने, धमकी देने और शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ की कोल सीट से शाज इसहाक को टिकट दिया है। उनके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं। इनमें दंगा भड़काने की साजिश करने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने जैसे आरोप हैं।
बीजेपी अखिलेश राज में कानून व्यवस्था का हाल रोजाना जनता को बता रही है और लोगों को याद दिला रही है कि 5 साल पहले की स्थिति को आंखों में उतारकर वोट कीजिएगा। लिस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अखिलेश उस छवि से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। नई सपा नहीं, वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया हो। जो पूरे प्रदेश की जनता के नाम एक ऐसा संदेश उन्होंने दिया है, आज उत्तर प्रदेश दिवस है, उत्तर प्रदेश धूमधाम के साथ आज जश्न मना रहा है कि आज हमारे गठन का दिन है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आज दिन को कलंकित करने का काम किया। ये सच है कि 2017 से पहले यूपी में अंधेरे के खिलाफ आवाज उठाना एक गुनाह था, लेकिन आज गुनहगार जेल में है। आरोपों का खेल आखिरी चरण तक चलता रहेगा, लेकिन ये सच है कि दूसरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने अपने जातीय समीकरण में यादव, जाट और पिछड़ी जातियों के अलावा मुसलमानों को भी जगह दी है। गठबंधन ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 194 सीटों में से 36 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। आजम खान और उनके बेटे दोनों को टिकट मिला है। रामपुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल जेल में हैं और 23 महीने से जमानत की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान के खिलाफ वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा से लेकर किताबों की चोरी तक का मामला दर्ज है। 104 FIR के चक्कर में जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उधर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। 23 महीने के बाद पिछले हफ्ते जेल से जमानत पर छूट कर आए हैं। उनके खिलाफ भी 43 मुकदमे हैं। रामपुर में आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने उस आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है जो रामपुर में आजम खान का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। आकाश सक्सेना ने ही आजम खान के खिलाफ 33 केस दर्ज किए हैं। वहीं स्वार सीट पर आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने हैदर अली खान को मैदान में उतारा है। अब दोनों ही उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि इस बार रामपुर में आजम फैमिली का सफाया कर देंगे। अखिलेश यादव ने कल जो लिस्ट जारी की है उसमें दागियों के साथ साथ कई बागियों को भी टिकट दिया गया है। ये वो बागी नेता हैं जो कुछ दिन पहले बीजेपी से बगावत करके शामिल हुए हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दूसरे लोग भी हैं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस बार भी सहारनपुर के नाकुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। धर्म सिंह सैनी नाकुर विधानसभा सीट से पिछले चुनाव में बीजेपी की टिकट पर जीते थे और इस बार वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वैसे खास बात यह है कि धर्म सैनी पार्टी बदलने के लिए मशहूर है। 2012 में वो BSP के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 2017 में वो लड़े थे बीजेपी की ओर से, और अब 2022 में वो साइकिल के साथ हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस सीट से टिकट की उम्मीद में वेस्ट यूपी के बड़े कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया गया है। अब उन्हें धर्म सैनी के लिए कैंपेन करना होगा। धर्म सैनी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने शिकोहाबाद से टिकट दे दिया है। मुकेश वर्मा 2017 में BSP छोड़कर बीजेपी में आए थे और विधायक बने, लेकिन इस बार फिर पार्टी बदल ली और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने भी उनसे वादा किया और उनसे निभाया और शिकोहाबाद से टिकट दिया। रोशन लाल वर्मा भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। अब अखिलेश यादव ने उन्हें तिलहर सीट से टिकट दिया है। वर्मा इसी सीट से सिटिंग MLA हैं और रोशन लाल वर्मा ने पिछले इलेक्शन में तिलहर से जितिन प्रसाद को हराया था। अब जितिन प्रसाद बीजेपी में है और रोशन लाल वर्मा समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने इस बार घाटमपुर सीट पर भगवती सागर को टिकट दिया है और भगवती सागर पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बिल्हौर से जीते थे और इस बार उन्होंने पार्टी बदली और पार्टी ने उनकी विधानसभा सीट बदल दी। बिल्हौर की बजाय इस बार वो घाटमपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के एक और नेता रामहित भारती को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। रामहित भारती पिछली बार हरगांव सीट से बीजेपी उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने ऊंचाहार से सिटिंग MLA मनोज पांडे को टिकट दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य के लिए टिकट मांग रहे थे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।